वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है कटहल का कोफ्ता जो मैंने बनाया है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से दिखाऊंगी मैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे 250 ग्राम जितना कटहल लिया हुआ है, और उसके अंदर अगर बीज है तो उसे आप निकाल दीजिएगा और उसे बॉयल कर लीजिएगा। सिर्फ दो सीटी ही लगाना है, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा, और मेक श्योर कि पानी उसका अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। और इस तरह से इसे मैश लीजिए, और ठंडा होने के बाद ही हम इसका कोफ्ता बनाएंगे। तो इसमें कुछ और चीज़ें हम मिक्स करेंगे, तो वो देख लेते हैं मैं इसमें क्या क्या मिक्स कर रही हूँ। तो 2 स्पून जितना ही मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, उसे यहाँ पे मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे हल्दी मिक्स कर दिया है, और उसके बाद ये 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून जितना, और ये 1/2 टीस्पून जितना ही हरी मिर्च है, और यहाँ पे एक बिग साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, और साथ ही थोड़े से धनिया पत्ता भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स दे दीजिए। इसे अच्छी तरह से हाथों से ही मैश लीजिएगा, तभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। और नमक आप तभी डालिएगा जब आपको कोफ्ते बनाने हो, पहले से नमक ऐड करके मत रखिएगा, नहीं तो नमक की वजह से इसमें पानी आ जाएगा और कोफ्ते बनाने में आपको प्रॉब्लम होएगा। तो यहाँ पे नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितना नमक मैंने ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और ये देखिए मैंने इसे कोफ्ते के साइज़ का राउंड बना लिया है। मैं इसे अपम पैन में बना रही हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी कैविटी है उसमें 1/2 टीस्पून जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पे इसे डालना स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान से डालिएगा, डालते वक्त ऑयल के छींटे आपके हाथ पे भी पड़ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से छींटे ऊपर आ गए थे। अगर आप कुकिंग में अभी नए नए हैं तो इसे स्पून से ही डालिएगा, और फिर इसे आप रोटेट करते रहिए। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाता है, और ऑयल भी वेस्ट नहीं होता है। जैसे छानने के बाद ऑयल वेस्ट हो जाता है, काफ़ी ऑयल जाता है डीप फ्राई करने से, पर ये आपका बिल्कुल डीप फ्राई जैसा ही फ्राई होगा और बहुत ही कम ऑयल में बन जाएगा। तो जो फ्लेम है आप उसे स्लो टू मीडियम ही रखिएगा, बिल्कुल हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, नहीं तो ये कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करते रहिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चला है, बिल्कुल चारों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक गया है। आप देख सकते हैं मैं इसे हर तरह से घुमा के आपको दिखा रही हूँ, सारे कोफ्ते कितनी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। तो आप चाहें तो आप भी ये वाली ट्रिक आजमा कर देख सकते हैं, इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। सिर्फ कटहल के नहीं, आप कोई भी कोफ्ते बनाना हो तो आप अपम पैन में बनाइए, बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है। बस फ्लेम आप स्लो टू मीडियम रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रेवी के लिए मसाले जो मैंने तैयार किया है। ये यहाँ पे मिक्स मसाला है, मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है वो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है। यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी है, और टमाटर और अनियन का यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने जीरा 1 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून जितना ही ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, अगर आप कोई और भी रिफाइंड या कुछ भी ऑयल पसंद करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, पर ये सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ प्याज हल्का सा भुन गया है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा बस भूनना था। उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था 1 स्पून जितना, उसे यहाँ पर ऐड कर दिया है प्याज के साथ। अब ये सारे अच्छी तरह से भुन जाए और गल जाए इसलिए मैं यहाँ पे नमक और हल्दी दोनों ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करूँगी ताकि प्याज अच्छी तरह से
भून के गल जाए, और हल्दी इसलिए ऐड करती हूँ ताकि मसाले भूनते वक्त आपको छींटे नहीं आएंगे। तो इन सब को कपल ऑफ सेकंड के लिए मिक्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अब जो टमाटर प्यूरी बना के रखा था उसे ऐड कर रही हूँ, उसी के साथ जो रेड मिर्ची पाउडर थी उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर ही ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। तो इसे भी कपल ऑफ सेकंड के लिए ही भुनेंगे। उसके बाद जो बाकी के पाउडर मसाले हैं उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो बस भूनना ही है, बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगते हैं मसाले भूनने में। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी का जो टेस्ट आता है वो उसके इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने से ही आता है। तो बस स्लो करके फ्लेम को मसाले भूनते रहिए, और इस तरह से जैसे ऑयल ऊपर आता है तो इसका मतलब मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, कि आपका साइन है। तो जैसे टमाटर भून चुका था तो मैंने बाकी का पाउडर डाल दिया है, और पाउडर मसाले जले नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना पानी डाल दिया है, जो अच्छी तरह से मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे और पाउडर मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ऑयल बाहर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी इसे मैं ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी ऐड करके बस इसे भी 1 मिनट जितना ही मिक्स दे दीजिए भून कर, और देखिए आप मसाले बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहे हैं और ऑयल इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर तक आ रहे हो। तो मैंने 1 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दिया था। अब देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं, ऑयल भी बाहर आ गया है। तो 1 टीस्पून जितना ही मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे मलाई, घर की मलाई या क्रीम आप ऐड कर दीजिए, और इसे अच्छा मिक्स दे दीजिए। इसे भूनते रहिए मलाई ऐड करने के बाद, नहीं तो फिर वो फट जाएगा। और मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बन कर आएगा आपको। तो सारे मसाले इतना क्वांटिटी में डालिएगा जितना मैंने बताया है, और ये सारी चीज़ें डालिएगा तभी आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो सब कुछ भुन चुका था तो बस अब पानी डालना था। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ज़्यादा पतला मत ही रखिएगा, क्योंकि कोफ्ते में ज़्यादा पतला ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थिक ग्रेवी ही अच्छा लगता है। तो मैंने 1 ग्लास जितना ही पानी इसमें ऐड किया था, और इसमें जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, उबल जाएगा, तभी कोफ्ते को इसमें ऐड करूँगी। तो इसे ढक कर रख देती हूँ, जब अच्छी तरह से उबल जाएंगे तो मैं कोफ्ते डालूँगी। तो पानी में देखिए बॉयल आ गया है। तो अब एक एक करके स्लोली स्लोली कोफ्ते आप इसमें ऐड करते जाइए, और इसे ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, बस 1 मिनट जितना ही इसे एक बार मिक्स देकर आप इसे छोड़ दीजिए। ज़्यादा मत चलाइएगा नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से ऊपर ऊपर सिर्फ इसके ग्रेवी को मिक्स कर रही हूँ, और ये देखिए कोफ्ते कितने अच्छे तरह से बन के तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं मिक्स होएंगे ग्रेवी में। मैं आपको अब गर्मा गर्म कोफ्ते सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोफ्ते को प्लेटिंग कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ धनी पत्ते के साथ ही इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे और थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बिल्कुल टूटे नहीं हैं, और ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी और थिक बनी है। और ज़रा कलर देखिए कितना रेड और रिच कलर आया है इस कोफ्ते में। तो आप इस तरह से पसंद करते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। और थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम से इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, ये भी एक ऑप्शन है। आप अगर गेस्ट के लिए सर्व कर रहे हैं तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही एट्रैक्टिव दिखता तो है और साथ में टेस्टी भी लगता है। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।